नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज के वीडियो में हम लोग एक पुराने घर का टेरेस का वाटर पंपिंग कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं। ये एक पुराना घर है, उसमें टेरेस में लीकेज था, वो दीवार पे पानी आ रहा था, तो वो लीकेज निकालने के लिए कैसे वाटर पंपिंग किया उसका एक प्रैक्टिकल वीडियो है। सबसे पहले ये दीवार और टेरेस दोनों को एक प्रेशर गन से पूरा क्लीन किया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि प्रेशर गन इस्तेमाल करके पूरा जितना भी कचरा, जितना भी ये पूरा दीवार पे गंदगी है वो पूरा निकाल देते हैं दीवार पे और छत पे, और पूरा क्लीन करने के बाद में जितने भी क्रैक्स है वो एक्सपोज हो जाते हैं। ये देखिए, ये जॉइंट में भी जितना भी ये सब जमा हुआ है ये सब पूरा साफ़ कर रहे हैं। और ये छत पे प्रेशर गन से पूरा क्लीन करने के बाद में थोड़ा जो भी बचता है वो उसको पत्रा से पूरा निकाल देते हो, थोड़ा बहुत रहता है उसको क्लीन करते हैं। और उन क्रैक्स को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। नॉर्मल क्लीनिंग के कंपेयर में ये प्रेशर गन से क्लीन करना बहुत ही अच्छा रहता है। ये देखिए, दीवार पे भी ये क्लीन कर रहे हैं। ये प्रेशर अप्लाई करने की वजह से ये क्लीनिंग अच्छा हो जाता है। ये प्रेशर गन का इस्तेमाल इसी के लिए किया जाता है, ये एक मोटर से चलता है और ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन पे चलता है। ये आप देख सकते हैं ये क्लीनिंग का प्रोसेस। इस प्रेशर गन को प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देखिए पूरा क्लीनिंग प्रोसेस। इसके बाद ये एशियन पेंट का रिपेयर पॉलीमर है, ये एक केमिकल है जिसको वाटरप्रूफिंग में स्पेशली क्रैक फिलिंग में इस्तेमाल करते हैं। ये सीमेंट के साथ यूज़ करते हैं। और ये आप देखेंगे स्मार्ट केयर क्रैक सील, इसको भी क्रैक फिलिंग में और वाटरप्रूफिंग में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ये एशियन पेंट के क्रैक सील में रिपेयर पॉलीमर डाल करके इकट्ठा इस्तेमाल किया गया है। रिपेयर पॉलीमर सीमेंट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे 1:2 2 kg सीमेंट रहेगा तो 1 लीटर रिपेयर पॉलीमर यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इधर पूरा क्रैक कैसे भर दिया गया है। तो दोनों केमिकल्स यूज़ करके क्रैक सील और रिपेयर पॉलीमर दोनों उसमें भर दिए गए। ये ब्रश से पूरा फील किया गया। ये आप देख सकते हैं इधर स्मार्ट केयर डैम प्रूफ, एक एशियन पेंट का पेंट है जिसको डैम प्रूफ पेंट कहा जाता है, और ये पूरा छत पे लगाते हैं डैम्पनेस को रोकने के लिए। एज अ डैम प्रूफ इसके काम करता है। ये देखिए 20 लीटर का ये डब्बा है। ये देखिए अभी फर्स्ट कोट अप्लाई कर रहे हैं, ये छत को और दीवार को दोनों को लगा रहे हैं। ये देखिए ये एक कोट होने के बाद नेक्स्ट डे दूसरा कोट लगाते हैं। को डैम प्रूफ पेंट भी कहा जाता है।
ये देखिए सेकंड कोट होने के बाद में ये ऐसा दिख रहा है। ये छत और दीवार, और आप देख सकते हैं ये दीवार को डिस्टेम पर लगाया गया है। इस तरह से ये टेरेस का लीकेज निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस तरह से एशियन पेंट का रिपेयर पॉलीमर क्रैक सील और डैम प्रूफ पेंट का इस्तेमाल करके टेरेस का वाटरप्रूफिंग किया जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।